नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबर बगहा से है, जहां नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत कर फूलमाला और शाला उठाकर माता जागरण कार्यक्रम में उन्हें नागरिक मंच से सम्मानित किया गया। जी हां, बता दें जहां विजयादशमी पर्व पर आयोजित माता के जागरण कार्यक्रम पर पहुंचकर पहले सतीश चंद्र दुबे ने दीप जलाकर उद्घाटन किया और फिर फीता काटकर भजन व मेले की शुरुआत की। जहां गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क किनारे स्थित न्यू तिवारी मार्केट में आयोजित माता का जागरण कार्यक्रम में दशहरा पर्व पर भक्तों की उमड़ी भीड़, पूरी रात भाव विभोर होकर जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना के गीत संगीत को सुनकर मंत्र मुग्ध हुए। इसी दौरान मंच से नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने लोगों को मंगल कामना के साथ उन्हें दशहरा की शुभकामनाएं भी दी। चलिए सुनिए क्या कुछ कहा है। दसवीं है, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। नवरात्र का नौवीं दसवीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके शुभ अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बड़ा शुभकामना है, बहुत ढेर सारा शुभकामना है। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसका मैं कामना करता हूँ। आपके जीवन में बहुत तरक्की हो, सारे परेशानियां दूर हो जाए, इसकी मैं कामना करता हूँ। इसी शब्दों के साथ आज पूरे जितना देर चल सकता है जागरण, इसका आनंद उठाए। फिर से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ इस अवसर पर। बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के महामंत्री अखिल जी ने बेटी बाबू के लिए भी इसी आश्रम के संतोष बेटी तिवारी से लिया गया है कि माननीय सांसद जी का माल्यार्पण करके स्वागत है। समय काम है आपको बता दें, राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद पहली बार बगहा पहुंचे सतीश चंद्र दुबे ने हर चौके चौराहे पर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया और कई पूजा पंडालों में जाकर माता का दर्शन भी किए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कैसे लोग माता के पूजा अर्चना में जो लीन है और हर तरफ जो है भक्तिमय का माहौल बना हुआ है। लोग माता का चढ़ावा जो है वो चढ़ा रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, हर तरफ खुशी का माहौल जो है वो दिख रहा है। वहीं लोगों में जो खुशी देखी जा रही है क्योंकि राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद पहली बार बगहा पहुंचे हैं सतीश चंद्र दुबे, जहां लोग उनका फूलों के साथ स्वागत कर रहे हैं और भक्तिमय का जो माहौल है बरकरार है, लोग पूजा करने में लीन है। तो अभी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज 11 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। नमस्कार। 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।